मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिरकना में विगत रात एक किसान के मकान में आग लग गई। इस आग से घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान व अनाज जलकर खाक हो गया। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिरकना निवासी राम नरेश पटेल पुत्र हरिशंकर पटेल जब अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, तभी रात में करीब 2 बजे विद्युत की चिंगारी से आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटें तेज हो गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देखकर परिवार के सभी लोग बाहर निकले और चीख पुकार करने लगे। परिजनों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना पीड़ित ने तहसील प्रशासन को दी है। मौके पर पहुंचे संबंधित ग्राम के लेखपाल द्वारा क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट तहसील प्रशासन को दी गई है। आग इसकी चिंगारी से लगी, लाइट की चिंगारी से, और वहाँ पर कुछ तरीके नहीं है। आग लगने से आपके यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है? करीब 10-15 क्विंटल गेहूँ रखा था, 8-10 क्विंटल चना रखा था, मसूर मटर इत्यादि थोड़े थोड़े बीज गलाना सब रखे थे। वो चीजें मूंगफली रखी थी करीब 2 ट्रॉली, जिसमें से आधी जल गई, पूरी खराब ही हो गई, डड़िया दिया हो गई। और पंखा टीवी कूलर फ्रिज ये सब जल के आधे आधे सब जल गए। बचा पाए किसी गाँव वाले इकट्ठे हो गए। रात के 2 बजे की घटना है, इकट्ठे हो गए। जब आप दमकल मशीन भी आ गई थी, पुलिस वाले भी आ गए थे, तो किसी प्रकार से आप आग पे काबू कर लिया। जब जल के खाके हो गए थे, इनकी मूंगफली जल गई, चना जल गए और गेहूं जल गया और कूलर टीवी पंखा वगैरह ये सब कूलर सब जल गया, सोफा जल गया। मऊरानीपुर से अरविंद सिंह दांगी के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।